नमस्कार, मेरा आर्ट बुनाई टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैंने क्रोसे की मदद से कुछ फ्लावर बना के तैयार किए हैं, तो जिनका वीडियो मैं एक एक करके आपके लिए अपलोड करूंगी। तो आज इस वाले फ्लावर का मैं वीडियो डालूंगी। तो इनके अलावा मैंने एक लड्डू गोपाल जी की ड्रेस भी बना के तैयार की है। ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाई है मैंने, इसका भी मैं जल्दी से वीडियो बनाऊंगी और चैनल पर अपलोड करूंगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस फ्लावर को बनाना। मैं यहाँ पर इस फ्लावर को बनाने के लिए रेड और वाइट ऊन का यूज कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की कलर का बनाइए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ये ऊन मेरी काफ़ी पतली है तो मैंने इसको डबल किया है। अगर आपकी मोटी ऊन है तो आप सिंगल ऊन से ही बनाइए, ये मेरी काफ़ी पतली है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। इस तरह से क्रोशिया में इस तरह लेंगे और इसको गोल लपेट लेंगे और यहाँ से एक गांठ लगा लेंगे और यहाँ पे हम पांच चेन कर लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच चेन करने के बाद हम फर्स्ट चेन में जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उस चेन में जाएंगे और क्रोशिया हुक को यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से ऊन लेके, यहाँ से ऊन ले लेंगे क्रोशिया में और इसको यहाँ ले लेंगे पहले, फिर यहाँ से निकाल देंगे। देखिए हमने यहाँ पे निकाल लिया है, यहाँ पे हमारा एक सर्कल बन के तैयार है। ये देखिए एक सर्कल बन गया है पांच चेन का। तो इसके बाद हमें यहाँ पे चार चेन और करनी है, फिर से एक, दो और ये तीन, चार। चार चेन करने के बाद हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लेना है एक। देखिए हमने एक डबल क्रोशिया कर लिया और ये चार चेन कर लिया। इसके बाद हम फिर से एक चेन करेंगे, एक चेन कर ली। एक चेन करने के बाद फिर से हम एक डबल क्रोशिया ये सर्कल में डालेंगे और सर्कल में अंदर से डाल के एक डबल क्रोशिया हम फिर से कर लेंगे। देखिए फिर से एक चेन करेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे सर्कल में क्रोशिया डाल के। देखिए यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, चार डबल क्रोशिया हमने कर लिया है। यहाँ पे फर्स्ट वाला तो ये चेन बनाया था हमने और बाकी तीन डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लिया है। इसको भी हमने गिनना है और पूरे 10 कर देने हैं। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार कर दिए हैं और 6 और करके यहाँ पे आ जाएंगे और इसको फिर ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 10 डबल क्रोशिया कर लिए हैं और एक गोल सर्कल हमारा बन गया है। अब हम इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। जो हमने फर्स्ट चेन किया था, जहाँ से स्टार्टिंग किया था, तो हमने चार चेन की थी, यहाँ से हम चेन गिनेंगे एक, दो, तीन और ये चार। चौथे चेन पे जाएंगे और इसको जॉइंट कर लेंगे। देखिए यहाँ से ऊन एक बार निकालेंगे और फिर यहाँ से भी निकालेंगे तो ये जुड़ जाएगा और हमारा गोल सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। देखिए पूरा जुड़ गया है और पूरा सर्कल हमारा बन के तैयार है। अब हम अगले इस गैप पे जाएंगे, जो हमारे दो डबल क्रोशियाओं के बीच में जो ये गैप है, इसमें जाएंगे और एक इस तरह से और इसको टाइट कर लेंगे ताकि ये खुले ना। देखिए यहाँ जाएंगे और क्रोशिया हुक में ऐसे ऊन लेके एक बार टाइटली इसको और कर लेंगे, ये खुलेगा नहीं फिर। और बाकी हम अब ऊन कट कर लेंगे क्योंकि हमने अब रेड ऊन लगानी है और रेड ऊन का बनाना है बाकी। तो इसको हम कट करके इस ऊन को अभी लास्ट तक कट नहीं करना है। लास्ट तक अगर हम कट कर लेंगे तो हमारा ये खुल जाएगा। इसको हमने ऐसे ही अंदर दबा के ले लेना है, अंदर दब जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें लाल ऊन ज्वाइंट कर लेना है।
यहाँ पे रेड ऑन हम जॉइंट कर लेंगे, यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे और फिर इसी में हम क्रोशिया डालते हुए ऊन ले लेंगे और यहाँ पे हम चार चैन फिर से कर लेंगे, 1, 2, 3 और 4। चार चैन करने के बाद हमें सेम स्टिच पे जाना है, यहाँ इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे जहाँ हमने अभी ऊन को जॉइंट किया था उसी के अंदर से हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ से ऊन ले लेंगे खींच के, जितना लंबाई इस चार जो चेन बना रखे थे हमने जितनी लंबाई इस चेन की है उसी हिसाब से हम खींच के ऐसे ऊन को ले लेंगे, 8 बार ऊन ले लेंगे। हमने एक बार ले लिया और 2 बार ले लिया, ऐसे ही देखिए 2 बार ले लिया और ये 3 बार ले लिया, 4 और ये 5, 6, 7 और ये हो गया 8। 8 बार हम ऊन ले लेंगे और इसको फिर यहाँ से क्रोशिया हुक को सारे जितने भी ये ऊन हैं इसमें से हम निकाल लेंगे ऐसे, और फर्स्ट जो फंदा यहाँ का है उसको हमने बचा देना है और बाकी जो हमने आठ बार जो ऊन लिया था उसमें से क्रोशिया हुक को ऐसे निकाल देना है। इसके बाद हमने फिर से यहाँ से ऊन लेनी है और टाइटली इन तीनों फंदों को ऐसे निकाल देना है ऐसे। देखिए हमारा एक जो है फ्लावर का एक पंखुड़ी बन के तैयार है। तो इसके बाद हमें फिर से यहाँ हमने जैसे चार चेन किए थे स्टार्टिंग में ऐसे ही हमें चार चेन फिर से कर लेनी है, 1, 2, 3 और 4। चार चेन कर लिया। अब हम यहाँ पे जो अगला दो डबल क्रोशिया के बीच में हमारा जो ये जगह है इस गैप में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे ऐसे और इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे, ये देखिए ऐसे इसको निकाल देंगे, इसको जॉइंट कर लेंगे। फिर से हम यहाँ पे चार चेन करेंगे, 1, 2, 3, 4। चार चेन किए और फिर से हमें यहाँ 8 बार ऊन ले लेनी है क्रोशिया हुक में इस वाले स्टिच से जहां हमने अभी जॉइंट किया था। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात और 8। 8 बार ऊन ले लिया हमने और इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। अब फर्स्ट जो हमारा ये यहाँ पे लूप था इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ से फिर से ऊन ले लेंगे और दोनों लूपों में से ऐसे निकाल देंगे। देखिए दो पंखुड़ियाँ बनके तैयार हैं। फिर से अब हमें यहाँ पे चार चेन करनी है, 1, 2, 3 और 4। चार चेन कर लिए हैं। अब हम अगले वाले स्टिच में जाएंगे। देखिए दो डबल क्रोशिया हमने ऐसे किए हैं, उनके बीच में हमने एक चेन की थी यहाँ पे, तो एक चेन करने की वजह से इसमें जो गैप बना है इस गैप के अंदर हम क्रोशिया हुक को डालना है हमें, देखिए ऐसे, और इसको ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट हो गया है। अब हम फिर से यहाँ पे चार चेन करेंगे, 1, 2, 3, 4। चार चेन कर लिए। चार चेन करने के बाद फिर से हमें यहाँ 8 बार ऊन ले लेनी है और पूरे में यहाँ तक ऐसे ही हमारी 10 पंखुड़ियाँ आएंगी तो हमारा फ्लावर बन जाएगा और फर्स्ट जो यहाँ पे हमने चार चेन किए थे उस पर हम जॉइंट कर लेंगे। मैं इसको कर लेती हूँ फिर यहाँ पे जॉइंट करना मैं बताऊँगी। देखिए मैंने पूरे में बना दिए हैं और अब हम इसको जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के लिए जब स्टार्टिंग किया था हमने तो यहाँ पे हमने चार चेन किए थे, इन चार चेनों के हम लास्ट में जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और इस चेन को जो चार चेन लास्ट में हमने बनाए थे इसको यहाँ जाके यहाँ पे क्रोशिया हुक डालेंगे फर्स्ट चेन में और इसको हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। तो ऐसे पलट लेंगे इसको थोड़ा
ऐसे पीछे को जाए ताकि गांठ, ये देखिए यहाँ से क्रोशिया हुक डाल के हम भी ऊन ले लेंगे। ये देखिए ऊन ले लिया, इसको हम अब फिर से यहाँ से निकाल लेंगे। ये हमारा जुड़ गया है। अब एक चैन और करके यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे और इसको कट कर लेंगे। और इसको हम टाइट कर लेंगे। देखिए हमारा फ्लावर बनके तैयार है। और जो ये बचा हुआ यहाँ पे ऊन है हमारा, इसको हम यहाँ से क्रोशिया हुक डालेंगे और इसकी फ्लावर के अंदर डाल देंगे। इसको लास्ट तक कट नहीं करना है, लास्ट तक हम कट कर लेंगे तो हमारा फ्लावर खुल सकता है, इसलिए हमें ऐसे यहाँ से क्रोशिया डाल देना है और इसके अंदर इसको ले लेना है ऐसे। देखिए हमारा फ्लावर बनके तैयार है। आप चाहें तो इसमें इस तरह से एक मोती भी रख सकते हैं, बीच में सिल सकते हैं। देखिए तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।